गलवान घाटी में शहीद जवानों के मुद्दे पर राहुल गांधी लगातार सियासत कर रहे हैं। अब उसी संघर्ष में घायल एक जवान के पिता ने राहुल गांधी पर पलटवार किया है और राहुल को नेतागिरी करने से परहेज करने की सलाह दी है। राहुल ने दो दिन पहले कहा था कि बॉर्डर पर भारतीय सैनिक बिना हथियार के गए थे, इसलिए चीन ने उन्हें धोखे से मार दिया। हालांकि सरकार ने इसका खंडन किया। गलवान घाटी में शहीद जवान के पिता बलवंत सिंह ने कहा, भारतीय सेना मजबूत सेना है, चीन को हरा सकती है और भी देशों को भगा सकती है। राहुल गांधी, आप नेतागिरी मत करना, ये राजनीति अच्छी नहीं है। मेरा बेटा पहले भी फौज में लड़ा है, आगे भी लड़ेगा। इस वीडियो को अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी को कहा कि वो तुच्छ राजनीति छोड़कर देश हित में सरकार के साथ खड़े हो। देखिए वीडियो। ये भारतीय सेना मजबूत सेना है, चीन को हरा सकती है और भी देशों को हरा सकती है। राहुल गांधी, आप नेतागिरी मत करना, ये राजनीति अच्छी नहीं है। हमारा थोड़ा पहले भी फौज में चार है लड़ेगा, अभी फिर और लड़ेगा, शेर लड़ेगा, ठीक हो गए, भगवान चाहे ठीक हो जाए जल्दी, फिर भी लड़ेगा सैनिक साथ ही। कल तक लाइव इंडिया तक रिपोर्ट।